हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हेमंत। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर बाई कर सकते हैं कैटी कॉइन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरह से बाई कर सकते हैं कैटी कॉइन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कॉइन मार्केट कैप ऐप को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कैटी कॉइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो ये मैंने ओपन कर लिया है कॉइन मार्केट कैप, वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऐप को। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कैटी कॉइन। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है कैटी कॉइन। तो इस पर मैंने क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होके आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पहले इतने का था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर पंप लिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर फिर नीचे फिर ये पंप ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया इसने फिर से पंप लेना, तो हो सकता है कि फिर से ये बढ़े। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो किस तरह से बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये अभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो लिस्टेड है ये ब्लॉकचेन बाइनेंस स्मार्ट चेन BEV20 पर लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इसको हम बाई कर सकते हैं पैनकेक स्वैप से, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कॉइन अगर आपका लिस्ट होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉक चेन पे, तो उसको आप पैनकेक स्वैप से बाई कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप आप सीधे पैनकेक स्वैप से बाई कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पर। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रस्ट वॉलेट प्लस का जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट। तो ये दिया हुआ है ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हैं तो। पहली बार होगा तो आपको सिंपली इस तरह से प्लेटफॉर्म दिखेगा। यहाँ पर 0 रुपीज़ होगा क्योंकि आपने कोई भी रुपीज़ यहाँ पर ऐड नहीं किया होगा। बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और स्मार्ट चेन यहाँ पर आपका दिखेगा और यहाँ पर 0-0 होगा, और भी यहाँ पर कोई भी कॉइन यहाँ पर आपके नहीं दिखेंगे। तो अब हमको बाय करना है कैटी कॉइन, तो उसको हमको यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, 2 लाइन्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ सर्च टोकन सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा कैटी कॉइन। ठीक है, कैटी कॉइन सर्च किया मैंने तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और बाय द वे कभी कभी क्या होता है कोई कॉइन नहीं आता है तो जो आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा जी आ गया कैटी कॉइन। ठीक है, जिस कॉइन का आप कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर करेंगे तो वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिसेबल है अभी। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है स्विच बटन पे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये ऑन हो चुका है। अब मैं बैक हो जाता हूँ, बैक करूँगा तो देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा कैटी कॉइन शो करने लगा। पहले केवल ये 4 कॉइन शो कर रहे थे, लेकिन अब कैटी कॉइन भी आ गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है, पहले तो आपको इनेबल करना है, फिर उसको आपको बाय करना है। ठीक है, तो बाय करने के लिए अब इसको आप बाय करेंगे पैनकेक स्वैप से। उसके लिए आपके पास स्मार्ट चेन होना चाहिए, लेकिन देख सकते हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पर 0 BNB है, तो इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करना है। रिसीव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको QR कोड मिल जाता है, या फिर ये इसका एड्रेस दिया हुआ है। तो आप किसी अंदर एक्सचेंज पे जाइएगा, जैसे कि आपका CoinDCX हो गया, WazirX हो गया, वहाँ पर जाके इस एड्रेस पर आप BNB स्मार्ट चेन BNB को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके यहाँ पर BNB आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BNB शो करने लग जाएगा, उसको आप स्वैप कर सकते हैं कैटी कॉइन में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपना जो वॉलेट है, मेरे पहले वाले वॉलेट पर BNB दिया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट चेन BNB यहाँ पर है 0.5532, मतलब 17,887 रुपये का BNB मेरे पास है। ठीक है, इससे मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ कैटी कॉइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कैटी कॉइन को भी इनेबल किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 449 रुपये का बाई भी किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मुझे इतने कॉइन मिले हुए हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ
फिर से पे करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डी एप्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो डी एप्स पर जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको जाना है पेन पे स्वैप पर एक्सचेंज पे, तो थोड़ा सा नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंजेस का, तो यहाँ पर आपको पेन पे स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये हो गया आपका पेन पे स्वैप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कई बार पे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरा ट्रस्ट वॉलेट है वो पेनकेक स्वैप से लिंक है। अगर लिंक नहीं होता तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको लिंक कर लेना है। जब लिंक कर लेंगे तो आपको जो ट्रस्ट वॉलेट में BNB होगा वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। देख सकते हैं कि मेरा BNB 0.5532 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका BNB रहना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके BNB सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको जो भी कॉइन बे करना है, जैसे कि हमको बे करना है कैटी कॉइन, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस ड्रॉप डाउन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस था उसको कॉपी कर लीजिएगा, तो ये कैटी कॉइन आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमने BNB से हमको कैटी कॉइन बे करना है। अब यहाँ पर बैलेंस है हमारे पास 0.5532, ठीक है। तो आपको कितना का बे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 0.01 यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, 0.01 BNB का कैटी कॉइन मुझे बाई करना है। तो 0.01 में कितना मिलेगा, इतना मुझे कैटी कॉइन मिल जाएगा। और यहाँ पर स्लिपेज टॉलरेंस 10% रखिएगा, अगर यहाँ पर कम है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप स्लिपेज टॉलरेंस 10% कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब कर लेंगे तो आप यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्वैप पर आप क्लिक कर दीजिएगा, मैंने कर दिया। फिर यहाँ पर कन्फर्म स्वैप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 323 रुपये का बाई कर रहे हैं और 111 रुपये फीस लग रही है, तो 450 रुपये हमको पे करना है। तो नीचे अप्रूव का ऑप्शन है, तो अप्रूव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मुझे अपना पासपोर्ट देना होगा, जो आप यहाँ पर प्रिंट फिल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सबमिटेड होके आ चुका है। यहाँ पर क्लोज पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो मैंने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कैटी कॉइन वो बाई हो चुका है, यहाँ पे लिख आ रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर आ चुका है। अब हमारे पास वॉलेट पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करके आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है स्मार्ट चेन, तो स्मार्ट चेन हमारा कट हो गया होगा, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डे 0.01 BNB है यहाँ पर डिडक्ट हो गया है और हमको इसके बदले कैटी कॉइन मिल गया होगा। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैटी कॉइन आ चुका है। पहले 400 रुपये के लगभग का था, लेकिन यहाँ पर 300 का और खरीद लिया तो 759 का हो गया है, ठीक है। और ये कॉइन इसी में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैटी कॉइन को बाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। आपको हेल्पिंग वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस का आपको मोबाइल ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।